आप लोग बहुत ज़्यादा पतले हो और आप लोग चाहते हो कि आप बहुत तेज़ी से अपना वज़न बढ़ा पाएँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप लोग बहुत तेज़ी से अपना वज़न बढ़ा पाओगे। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जब भी हमारे वज़न बढ़ाने की बात आती है कैलरी सरप्लस को मेंटेन करके रखना पड़ता है, मतलब कि हमें वो चीज़ें खानी होती जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलरीज मिले, क्योंकि ज़्यादा कैलरीज खाने से क्या होता है कि आपके बॉडी में जल्दी से ग्रोथ होती है और साथ में आपका वज़न वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोग कैलरी डेंस फूड खा सकते हैं, आप वो फूड खा सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलरीज होते हैं, जैसे कि आपका बनाना हो गया और एलमंड्स हो गया। जो बनाना होता है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है जिससे आपको वेट गेन करने में बहुत ही आसानी मिलती है, और साथ में एलमंड्स हो गए, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो गए, उन सबको खाने से आपको फैट मिलता है जो आपके वेट गेन के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं। तो मैं आपको एक टिप्स और देता हूँ, अगर आपको अपना वज़न बढ़ाना है तो गाइज आपको रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अभी जाके एकदम से जिम मेंबरशिप ले लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पर ही रह के अपने एक्सरसाइज वर्कआउट कर सकते हो। आपको घर पर रह के खाली ये दो एक्सरसाइज करने, एक पुशअप्स और दूसरी पुलअप्स। पुशअप्स और पुलअप्स करने से गाइस आपका वेट गेन बहुत तेजी से होता है, क्योंकि ये सब में बेस्ट एक्सरसाइज है बिगनर के लिए जो वेट गेन करना चाह रहे हो। अब गाइस उन लोगों की बात करते हैं जो लोग कहते हैं कि भाई हम पुलअप्स भी नहीं कर पाते, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग पुलअप्स नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं है, आप पुशअप्स करिए रेगुलर। जब आप पुशअप्स रेगुलर करने लग जाएंगे तो आप पुलअप्स खुद ब खुद ही करने लगेंगे। मैं आपको एक टिप्स और देता हूँ कि आप रेगुलर रनिंग कीजिए और वार्म अप एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप ये दोनों रेगुलर करते हो तो गाइस जो आपका जो HGH जो लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। HGH लेवल होता क्या है, वो होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ये हार्मोन कुछ ऐसा होता है कि आपके बहुत मदद करता है हाइट इंक्रीज करने में, और साथ में जो आपके बॉडी की शेप है वो भी लाने में बहुत ही हेल्प करता है। अगर गाइज आप रेसिस्टेंस ट्रेनिंग और कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो तो गाइज आपको बहुत ही दिक्कत होगी वेट गेन करने में। तो गाइज मैं आपको यही टिप्स दूंगा कि आप एक्सरसाइज रनिंग और वार्म अप ट्रेनिंग कीजिए, जिससे आपका वेट गेन और साथ में हाइट बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोगों को अपनी नींद प्रॉपर तरीके से लेनी है। आप जो भी खाना खाते हो उसे डाइजेस्ट होने में टाइम चाहिए, और जो भी आप फूड खाते हो उसे शरीर में लगने के लिए टाइम चाहिए, और ये मेन काम होता कब है, जब आप अपनी नींद अच्छे तरीके से लेते हो। इसलिए अपनी नींद अच्छे तरीके से लीजिए, 7 से 8 घंटे की नींद अपनी पूरी कीजिए, जिससे आपने जो भी खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हो और आपके शरीर में लगे। तो गाइस आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आपको पानी रेगुलर पीना है अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपकी जो बॉडी है और आपके जो सेल्स है वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, और आपका खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर पानी पीना है ताकि आपका खाना भी डाइजेस्ट हो, आपकी बॉडी भी प्रॉपर तरीके से वर्क करे और आपके सेल्स अच्छे से वर्क करे। जब भी आप सुबह का नाश्ता करो और रात का खाना खाओ तो हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि जब भी हम सुबह का नाश्ता करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना खाना खाना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा खाना खाएंगे वो हमें हेल्प करेगा पूरे दिन अच्छे से वर्क करने के लिए। और रात को हमें अपना कम से कम खाना खाना चाहिए, जिससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने में भी हेल्प मिले और साथ में जो आपने खाना खाया वो अच्छे से शरीर में भी लगे। जो हमारी जो अगली जो टिप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टिप्स पे बहुत लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, खाना खाने से पहले एक गिलास पानी पी लेते हैं, या फिर खाना खाने के बाद एक गिलास पानी पी लेते हैं, या फिर खाना खाते समय एक गिलास पानी पी लेते हैं, जिससे जो वो खाना खाते हैं वो अच्छे डाइजेस्ट भी नहीं होता है और वो ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है बिल्कुल। आपको हमेशा अपने खाने से 1 घंटा पहले पानी पीना है, 1 घंटा बाद पानी पीना है, या फिर, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप खाने के टाइम पानी पीते हो तो वो पानी आपको सीधा एसिड में जाता है, जो पेट में जो आपका एसिड जो होता है जो आपका खाना डाइजेस्ट करता है, तो वो आपका पानी सीधा उसमें आता है, जिससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और साथ में आप ज़्यादा खाना भी नहीं खा पाते, क्योंकि पानी पीने से उसी टाइम आपका पेट भरा भरा सा लगता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको खाने से 1 घंटा पहले पानी पीना है या फिर 1 घंटा खाने के बाद पानी पीना है। इससे क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा भी खाना खा पाओगे और साथ में आपका खाना जो भी आपने खाया बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा।